और एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएं, बड़ी खबर, पाकिस्तान गई अंजू अब वापस भारत आई है। अपने बच्चों से मिलने की बात वो कह रही है, तो अपने पति और बच्चों को छोड़कर जो अंजू पाकिस्तान चली गई थी वो फिलहाल भारत वापस आ चुकी है। जी हां, अंजू पाकिस्तान के रहने वाले नरसुल्ला से निकाह करके फातिमा बन चुकी हैं और उसके बाद भारत लौटने को लेकर के कई सवाल भी अब उठ रहे हैं कि क्या वो यहां पर रुकेंगी या फिर वो अपने बच्चे को वापस लेने आई हैं। लेकिन क्या ये सब उसके लिए आसान होगा, इस पर एक रिपोर्ट। छह महीने बाद आखिरकार अंजू पाकिस्तान से भारत लौट आई है। छह महीने पहले अंजू अपने पति अरविंद और दो बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान चली गई थी, जहां उसने नसरुल्ला से निकाह कर लिया था। एक बार अंजू जब वापस देश लौटी तो मीडिया के कैमरे की फोकस बन गई। पाकिस्तान से भारत आई अंजू से जब मीडिया ने सवाल पूछा कि आखिर वो भारत क्यों आई हैं, तो अंजू इस सवाल को टालती नजर आई। अंजू फिलहाल सभी सवाल से बचती दिख रही हैं। जो भी सवाल अंजू से किए गए उस पर उसने चुप्पी साधे रखी। जब अंजू से हमने लगातार पूछताछ करने की कोशिश की कि आखिर वो भारत क्यों आई है, पाकिस्तान में उनके साथ किस तरीके का सलूक किया जाता था, क्या वो अपने बच्चों को लेकर आई, इस तरह से लेने आई है, इस तरह से हमने कई सवाल अंजू से पूछे, लेकिन अंजू सीधे चुप्पी साधी हुई थी और वो सिर्फ यही कह रही थी कि वो कुछ भी बात नहीं करना चाहती है। हालांकि कयास यही लगाए जा रहे हैं कि अंजू राजस्थान की भिवाड़ी जाएगी, जहां वो अपने बच्चों से मिलना चाहेगी। लेकिन क्या पूर्व पति अरविंद अंजू को बच्चों से मिलने देगा, ये बड़ा सवाल है। हो सकता है वो जयपुर आए या फिर गुड़गांव होते हुए भिवाड़ी पहुंचे। बच्चे उससे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये देखना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले जब अरविंद से हमने बात की थी तो अरविंद कतई बच्चों से उनको मिलाने में दिलचस्पी नहीं रखते हैं, ये बात उन्होंने बताई थी। टाइम्स नाउ नव भारत ने अंजू के पूर्व पति अरविंद से फोन पर जब बात की तो वो यही कहते दिखे कि जो भी पूछना है अंजू से ही पूछो। बच्चे आपसे कहेंगे तो क्या मिलाओगे या क्या बिना मिला जाएगी क्या? बच्चे के बारे में उससे पूछो, मेरे से कुछ मत पूछो फिलहाल। बच्चे तो आपके पास है ना अरविंद जी, इसलिए कह रहा हूँ। अरे तो है तो क्या हो गया, है तो है, मेरे उससे मामला मेरे से नया है ना। हाँ आपसे तो खैर अनबन है ही। उधर जब अंजू के पिता को भी खबर लगी कि अंजू भारत वापस लौट आई है और जब मीडिया ने इस बारे में उससे भी जानकारी लेनी चाही तो उनका साफ कहना था कि पाकिस्तान जाने के बाद अंजू उनके परिवार के लिए मर चुकी है। अब सवाल उठता है कि क्या अंजू भारत में अपने पूर्व पति से तलाक लेने आई है या अपने बच्चों से मिलने या फिर बच्चों को वापस ले जाने। ये सभी सवाल आने वाले वक्त में साफ हो जाएंगे। तो इस रिपोर्ट को आप देख करके समझ गए होंगे। और जब अंजू पाकिस्तान से भारत लौटी थी तो एयरपोर्ट पर तो वो मीडिया वालों के किसी भी सवाल का जवाब दे नहीं रही थी, लेकिन अभी फिलहाल क्या जानकारी है, भावना किशोर हमारी सहयोगी जुड़ चुकी है। भावना जरा बताएं उनके भारत लौटने को लेकर के, और क्या वो वापस पाकिस्तान भी जा सकती है, कुछ कहा अंजू ने? बिल्कुल, अब सभी की नजरें इसी बात पर है कि आखिरकार छह महीने बाद अंजू जब भारत लौटी है तो किस मकसद से लौटी है। क्या वो अपने बच्चों से मिलना चाहती है, क्या वो अपने बच्चों को लेकर पाकिस्तान जाना चाहती है, या फिर वो तलाक लेने के लिए भारत आई हुई है। कई सारे सवाल जो है वो इस वक्त खड़े होते हैं, क्योंकि अंजू जिस तरह से छह महीने पहले अपने पति और बच्चों को छोड़ के गई थी, अब उनके जो पूर्व पति हैं उन्हें अपनाने से इनकार कर चुके हैं। कई बार कैमरे पे वो इमोशनल होते हुए नजर आए। उनके पिता भी, जब आपको याद होगा कि कई बार अंजू को वो वीडियो कॉल करते थे तो अंजू उसे इग्नोर करती थी, जवाब नहीं देती थी। लेकिन कल जिस तरह से अंजू भारत लौटी है और मीडिया के कैमरों से बचती हुई नजर आई, सवालों से बचती हुई नजर आई, लेकिन उन्होंने एक शब्द कहा था कि आई एम हैप्पी। वो क्या हैप्पी, पाकिस्तान में है या भारत आके हैप्पी है, क्या पाकिस्तान से वो खुश नहीं है इसलिए भारत आके हैप्पी। कई सारे ऐसे सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन जब तक अंजू इस बात को नहीं कहेंगी कि पाकिस्तान में किस तरह का सलूक हुआ या वहां पर क्या स्थिति है, या वो वापस पाकिस्तान जाएंगी या वो खुश है, तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं। लेकिन जांच एजेंसियों की भी नजर अंजू पर रहेगी, क्योंकि जिस तरह से सीमा को, आपको याद होगा कि पाकिस्तान से जब सीमा भारत आई तो अभी भी उनको लेकर जांच चल रही है। तो अंजू जिस तरह से भारत से पाकिस्तान गई, सभी की नजरें इस पर बनी रहेगी। लेकिन अब अंजू कहां है, क्या वो दिल्ली में है, गुड़गांव में है, भिवाड़ी में, इस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। लगातार हम उनसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। और आपने कल देखा होगा कि कल बीती रात जब वो एयरपोर्ट पे उतरी, उनका भी बयान आया था भावना
कि अंजू को अपने बच्चों की याद आ रही है, इसलिए वो अपने बच्चों से मिलने जा रही हैं और उसके बाद वापस आएंगे। अब देखना होगा क्या अपडेट्स इस पूरे मामले को लेकर सामने आता है, जो आपके जरिए हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया भावना तमाम जानकारी देने के लिए। और